नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर दौरे पर गए कांग्रेस राहुल गांधी ने शुक्रवार मोइरांग के राहत कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल आज सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी मुलाकात करेंगे। राहुल 10 राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गुरुवार को मणिपुर पहुंचे। दौरे के पहले दिन राहुल ने चूड़ाचांदपुर में रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले थे। हालांकि चूड़ाचांदपुर पहुंचने से पहले राहुल का काफिला विष्णुपुर में रुका था। पुलिस ने कहा था कि हिंसा की आशंका के चलते काफिला रोका गया है। इसके बाद राहुल हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा था, मैं मणिपुर अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। इससे पहले गुरुवार को राहुल हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने करीब 34 किलोमीटर पहले विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया था। पुलिस ने कहा था रास्ते में हिंसा हो सकती है। इसके बाद वे इम्फाल लौट आए थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विष्णुपुर जिले में हाईवे पर टायर जलाए गए थे और काफिले पर कुछ पत्थर फेंके गए थे, इसलिए सावधानी रखते हुए काफिले को विष्णुपुर में रोका गया। राहुल का काफिला रोके जाने के बाद यहां एक गुट उनके समर्थन में जबकि दूसरा उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।